जो मेरी संपत्ति नहीं है वो मैंने ना बोला है, जो मेरी संपत्ति है वो मैंने हाँ बोला है। झारखंड के रांची में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह के आवास पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। फिलहाल विधायक के आवास पर इनकम टैक्स के अफसरों की छापेमारी जारी है। छापेमारी को लेकर जयमंगल सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने बताया कि उनके बिहार में पटना स्थित घर पर भी छापा पड़ा है। ये छापेमारी को यही कह सकता हूँ कि जो बीजेपी के साथ नहीं है उसको तोड़ने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो संवैधानिक संस्थाओं का इसीलिए तो हम कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है और हम कॉपरेट कर रहे हैं। हम इसको बीजेपी की संस्था नहीं मानते हैं, लेकिन प्रेशर इन पे बीजेपी का है और इसीलिए शायद मेरे घर पर रेड पड़ने के 5 मिनट पहले प्रदीप यादव जी के यहाँ रेड पड़ता है और निशिकांत दुबे जी मेरे घर का ट्वीट कर देते हैं। तो ये निशिकांत दुबे जी को कैसे पता चलता है कि मेरे यहाँ रेड पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर ये बात समझनी चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। जब गलत नहीं है तो डरेंगे नहीं। आपसे कोई हम देखिए, ये सेंट्रल एजेंसीज है और हम कॉपरेट कर रहे हैं। जो वो पूछताछ कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे फिलहाल ऐसा कुछ पूछताछ है नहीं। जो भी उनके पास डिटेल्स थे वो सही थे या गलत थे, मैंने हाँ या ना में जवाब दिया है। जो मेरी संपत्ति नहीं है वो मैंने ना बोला है, जो मेरी संपत्ति है वो मैंने हाँ बोला है। बेनामी संपत्ति है ही नहीं। बहुत राजेंद्र बाबू का बेटा हूँ, 6 बार के विधायक रहे, इनकम टैक्स देते रहे, नॉमिनेशन में रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं। मैंने अपने नॉमिनेशन में पूरे संपत्ति का जिक्र किया हुआ है, तो बेनामी संपत्ति नाम का कुछ चीज हमारे पास है नहीं। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। एकदम संवैधानिक संस्था काम कर रही है और मैं उसका कॉपरेट भी कर रहा हूँ। किस केस में आपके पास कुछ बताया? अब किस केस में आया है वो मैंने बीजेपी के अगेंस्ट में बोला था, बीजेपी के मंशाओं को लोटस मुहिम को फेल किया था और आने वाले टाइम में बीजेपी का नंबर्स मिल रहा नहीं है कि कांग्रेस विधायक को वो तोड़ सके। तो भैया मेरे को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है ताकि जो बीजेपी का नंबर्स है जो कांग्रेस को तोड़ के उनको मिल सकता है, जो आगे जाके उनके कथाकथित बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाने में बहुमूल्य साबित हो सकता है, इसीलिए मेरे घर पर रेड मारा गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।